सो दोस्तों, यहाँ पे फेसबुक एड्स और रील्स का ऊपर एक नया अपडेट निकाल के आया है। सबसे पहले आप यहाँ पे दो फोटो देख लीजिए, यहाँ पे एक फोटो देख लीजिए, साथ ही साथ यहाँ पे एक फोटो देख लीजिए। दोनों फोटो में आपको कुछ डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, कुछ डिफरेंस सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। लेफ्ट साइड में जो फोटो है आप देख सकते हैं, जहाँ पे साफ साफ लिखा है जैसे आप रील्स छोड़ने के लिए जाते हो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 फोटोज देखने के लिए मिलता है। एंड राइट साइड में जो फोटो है वहाँ पे देख लीजिए, जैसे आप रील्स छोड़ने के लिए जाते हो यहाँ पे भी आपको 5 देखने के लिए मिलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है अगर आपने ध्यान से देखते हो तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या है इसमें क्या है। देखो, लेफ्ट साइड में जो फोटो है यहाँ पे देखिए पब्लिक है, इंस्टाग्राम है, ये तो आपको पता चल रहा है। पब्लिक में क्लिक करके उसको पब्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम जो लोगो है यहाँ पे क्लिक करके आप चाहो तो इंस्टाग्राम में छोड़ सकते हो या तो बंद भी कर सकते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे नया वाला इंटरफेस शो किया जो है लोकेशन, पहले यहाँ पे नहीं था बट अभी यहाँ पे शो कर दिया है। लोकेशन में क्या होगा, आप जहाँ से वीडियो को पब्लिश कर दो वहाँ पे लोकेशन को वहाँ पे आप मार कर सकते हो। जैसे आप साफ साफ देख रहे हैं बैंगलोर इंडिया बोल के लिखा है, जैसे कि मैं बिलोंग करता हूँ बैंगलोर से तो इसीलिए यहाँ पे ये लोकेशन शो हो रहा है। एंड उसका नीचे स्टार्ट वाला है उसको अनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। एंड नीचे वाला जो ऑप्शन है इन्वाइट कोलाबरेटर बोल के, ये ऑप्शन बहुत सारा लोगों को दिमाग में नहीं आता है ये एक्चुअली क्या है। इसका ऊपर मैंने थोड़ा करके एक वीडियो बना दिया था, इससे मदद से क्या होगा आप इसी रील्स को दूसरा किसी पेज में एट ए टाइम छोड़ सकते हो, इन्वाइट कर सकते हो, कोलाबरेट कर सकते हो ऐसे करके। अगर आपने इसका ऊपर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसका ऊपर डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। एंड दूसरा जो फोटो था जहां पे आपको देख रहा है यहां पे भी ऊपर में पब्लिक है नीचे इंस्टाग्राम है, ये तो दोनों बता चुका हूं। एंड थर्ड वाला यहां पे नया ऑप्शन देखने के लिए मिला जो है टैग बिजनेस पार्टनर। दोस्तों ये जो टैग बिजनेस पार्टनर ये होता क्या है, इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बना के रखा हूँ, मेरी चैनल मिल जाएगा आप जाकर देख सकते हो। टैग बिजनेस पार्टनर से क्या होगा, सेम वैसे ही होगा जो पिछले वाला फोटो में बता चुका था कि इनवाइट कोलाबरेटर बोल के, सेम इसका काम ये है लेकिन नेम थोड़ा अलग है, वहाँ पे एक है यहाँ पे एक है लेकिन काम बराबर वैसे ही कर सकते हो। वहाँ पे जो इनवाइट कोलाबरेटर था उसके माध्यम से आप किसी के साथ कोलाबरेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी सेम है, आप अपनी वीडियो को किसी बिजनेस पार्टनर के साथ टैग कर सकते हो, बोलो तो बात एक ही है। एंड उसका नीचे आपको मिलता है स्टार्ट वाला, यहाँ पे मोनेटाइजेशन को ऑन कर ले स्टार्ट वाला है। एंड उसका नीचे अर्न मनी बोल का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे अर्न मनी में क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टार्ट वाला भी शो हो जाएगा एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो एड्स ऑन रील्स है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। बोले तो मुद्दा को मैं ये है जो दो फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक है जो लेफ्ट साइड का है ये क्या है ना, इसमें अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं ऑन हुआ। एंड जो राइट साइड वाला है ये मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है, तो दोनों का डिफरेंस, दोनों का पेज का जो ऑप्शन है उसका डिफरेंस यही है। तो एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो नया फीचर लॉन्च किया था जो है यहाँ पे लोकेशन, एंड यहाँ पे जो नया फीचर लॉन्च किया था जो है अर्न मनी बोल के। तो अभी आपका वाला आप कमेंट करके बोलिए ये दो फोटो में से कौन सा ऑप्शन आपका फेसबुक में शो हो रहा है वो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर आपका अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।